हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अभिजीत और आज का जो वीडियो है हमारा पल्सर 125 से रिलेटेड है। जैसा कि आप सभी जानते हो दोस्तों, आज ये जो हमारा बाइक है फर्स्ट टाइम पंचर हो चुका है इसका पिछला वाला टायर, और इसमें जो ट्यूबलेस टायर रहता है वो दोस्तों काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स करता है और मैं आज आपको उसी के बारे में बताऊँगा। दोस्तों 6 महीने में ही हमारी ये जो गाड़ी है वो पंचर हो गई है और एक इतना बड़ा कांच इसमें दोस्तों आधा घुस गया था, उसको भी मैं आपको बताऊँगा आगे वीडियो में कि कौन सा कांच घुसा था, कैसा घुसा था। और वीडियो में बने रहिए और अगर आपने तो हमारे चैनल कर लीजिए सब्सक्राइब और साथ ही साथ बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि कार और बाइक के बारे में ऐसी नई नई इंटरेस्टिंग जानकारी मैं आपको देते रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों आज का जो वीडियो है उसको शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें पंचर कहाँ पर हुआ है। तो ये देखो, इसमें यहाँ पर पंचर हुआ था। और दोस्तों आप सभी जानते होंगे कि पल्सर 125 या फिर कोई सा भी जो ट्यूबलेस टायर के साथ जो गाड़ी आती है उसमें जो पंचर होता है उसमें इतना बड़ा कुछ संतरे कलर का होता है उसको इसमें घुसाते हैं। दोस्तों एक में इसमें नहीं आया, उतना बड़ा पंचर हुआ था, दो मतलब जो उसका जो डालते हैं उसको दो ठोक मिलाकर इसमें डालना पड़ा डबल करके, तो उतना बड़ा इसमें पंचर हो गया था। तो चलिए दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कि इसमें कौन सा कील घुसा था या फिर कौन सा कांच घुसा था उसको मैं आपको बताता हूँ। देखो भाई, ये घुसा हुआ था हमारे गाड़ी के टायर में, पिछले वाले टायर में। ये देखो, ये जो है ये दोस्तों यहाँ तक पूरा अंदर तक घुस गया था। सो फ्रेंड्स, अभी आपने देखा कि इसमें इतना बड़ा जो मैं आपको बोल रहा था इसमें जो कांच घुसा था उसको आपने देखा, तो दोस्तों वो कितना अंदर तक घुसा था आप सोच सकते हो, जब वो आधा घुसा था तो। और जब वो इसमें फंसा हुआ था, यहाँ पर वो घुसा था और इतना निकला हुआ था, तो जब ये ऐसे आता था तो इसमें पड़ते हुए मतलब घूम कर इसमें गड़गड़ की जो आवाज़ आती थी इसमें पड़ता था, तो उसको सुनकर मैंने रुका। और जब रुका तो दोस्तों इतना ज़्यादा इसमें से तेज़ी से मतलब जो इसका जो हवा था वो निकल रहा था, मैं उसको देख कर मतलब एकदम डर गया था और मेरे को कुछ सूझा ही नहीं। मतलब अभी लग रहा था कि मैं उसमें वीडियो बना लेता, लेकिन उस टाइम दोस्तों कोई मतलब दिमाग काम ही नहीं कर रहा था, उसको कैसे भी करके मैं जल्दी से उसको मैं खींच के निकालूँ ऐसा लग रहा था। तो चलिए दोस्तों हम देखते हैं कि आप उस पंचर को कैसे बना सकते हो। चलिए फिर नहीं था, मैं डबल लग बहुत मेहनत लगती यार लेकिन यार चल डाल दे तो कॉम्प्लीट दिस पॉइंट पे। सो फ्रेंड्स, अभी आपने देखा कि आपका कोई भी कार या बाइक है जो ट्यूबलेस टायर के साथ आता है उसका जो पंचर होता है उसको आप कैसे बना सकते हो आपने देखा। तो फ्रेंड्स, जब वो दुकान वाले भैया ने इस गाड़ी का पंचर बनाया तो फिर उन्होंने मेरे को एक बात भी बोला कि आपकी इस जो पिछले वाले टायर है इसका फ्रेंड्स जो पंचर है जो आपने देखा वो काफ़ी बड़ा है, ऐसा बोला उन्होंने। तो आप एक काम कर सकते हो, अगर इसमें से थोड़ा बहुत भी हवा निकलता हुआ या फिर लीकेज होता हुआ आपको दिखेगा तो फिर आप इस गाड़ी को मेरे पास लेके आना और इसका टायर मैं निकालूंगा और अंदर से कुछ सॉल्व करूंगा, जो पंचर बाहर से बना हूँ वैसा ही अंदर से भी करूंगा, ऐसा करके उन्होंने बोला। और उसके बाद आपकी गाड़ी एकदम मतलब आपको पता ही नहीं लगेगा कि पंचर है कि क्या है ऐसा। तो फ्रेंड्स, अभी भी इसमें से कोई लीकेज नहीं हो रहा है हवा, जैसे आपको मैंने अभी बताया, आपने भी देखा उसमें से कोई हवा नहीं निकल रहा है। तो फ्रेंड्स, आशा है मेरे को कि आप समझ गए होंगे कि आप अगर आपका गाड़ी पंचर होता है ट्यूबलेस टायर तो फिर आपको कैसे उसको सॉल्व करना है। और चलिए दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच। और अगर अपने हैं तो हमारे चैनल कर लीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि कार और बाइक के बारे में नई नई इंटरेस्टिंग जानकारी मैं आपको देते रहता हूँ। थैंक यू सो मच।